स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुझे मेरा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। चाहती क्या है तू गुंजन? एक वक्त था जब मैं तुझे टूट के चाहता था, तब तू मुझसे भागती रही, चिढ़ती रही, नफरत करती रही। और आज जब मैं तुझे इस रिश्ते से आजाद करना चाहता हूं, तू बार बार आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी खेत पे काम करती, कभी मेरे कपड़े प्रेस करती, और कब तेरे पैर धोती। क्यों तो मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती गुंजन? मैं सब करने में बहुत तकलीफ होती है। बुला देना चाहता हूं मैं उस प्यार को तो मैंने तुझसे कभी किया था। बिता देना चाहता हूं हर एक याद जो तुझसे जुड़ी है। दिमाग खराब हो गया तेरा बलदेव है कि शराब पी के आया जैसी बकवास कर रहा है? सालगिरह सालगिरह लगा रखी है, ओ आज तक मनाई है जो अब मनानी है। परट ओ बीजी, और मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपके और पापा जी की शादी की 30वीं सालगिरह है और जश्न तो बनता है। तो कौन सी बड़ी गल है, वो 30 साल ही हुए को 300 साल ही हो गए, बट्टा है जश्न बनता है। ओ तो क्यों हुआ बीजी, मतलब 30 साल भी थोड़ी ना कम होते हैं, है? कोई पापा जी से पूछे इतने साल तक कैसे झेला है आपको, मतलब एक दूजे का साथ दिया होगा, हैं? बहुत बड़ा मौका है। कोई बड़ा मौका नहीं है बलदेव, और वैसे भी ऐसा चोचे ना शहरों में चंगे लगते हैं, फिल्मों में चंगे लगते हैं, और पिंड में नहीं होता है सब। होता नहीं तो क्या हुआ, और किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, आप कर दो और आपकी देखा देखी करके बाकी सब भी करने लग जाएंगे, है कि नहीं? ये सोचो है रिश्ता ना जुड़ता तो आपका इतना सोना इतना हैंडसम ते गबरू ते जवान मुंडा कहां से आता, है कि नहीं? बीजी मान जाओ ना अब। देख बलदेव, मुझे तेरी ये बात नहीं जची, और वैसे भी तेरे पापा जी नहीं मानने वाले इन सब के लिए। अब बीजी उनको मैं मना लूंगा, आप अपनी बताओ। ये उस मौके पे वधिया वधिया कपड़े ते वधिया वधिया गहने पहन सकते हो, मतलब सच दच के बिल्कुल करीना ते ऐश्वर्या दिख सकती हो आप। ओए की खराबी है मेरे चेहरे में है, अभी भी सुंदर दिखती हूँ और कुछ चेहरा देख के बता नहीं सकता दो बच्चों की माँ हूँ। आप तो चाहती नहीं हो कि आपका पुत्र सरपंच बने, मतलब आप ना बस कहती रहो कुछ करो मत अपने पुत्र वास्ते, और नहीं तो की मतलब ये चुनाव सर पे है, ओ इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और सबको अपने तरफ करने का। और देखो और जब सारे पिंड वाले घर आएंगे जलसे वास्ते, तब हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, है कि नहीं? और फिर ही तो तब सब देखेंगे ना कि मुझसे अच्छा सरपंच तो कोई बन ही नहीं सकता, फिर सब मेरे वास्ते वोट भी करेंगे। ये सब होने से पहले सालगिरह मनानी बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है आपका हाँ कहना। अब बोलो हाँ है ना आपकी? बीजी ज्यादा सोचो मत, वो चुनाव का वक्त निकल जाना है, आप ना सबको फोन घुमाओ और न्याता दे दो, और सबसे पहले तो फोन घुमाओ और वहां पे वो रणवीर और रतन चाची जी के घर फोन घुमाओ और न्योता दे दो, है? अपनी न्योता देने के बाद थोड़ी ना पापा जी मना करेंगे, है कि नहीं? जी समधन जी, बहुत अच्छी बात है जी, हम सब परसों आ जाएंगे, न्योते के लिए शुक्रिया, सस्रेकाल। चाई जी, समधन जी का फोन था, समधी जी और समधन जी की शादी की 30वीं सालगिरह जलसा मना रहे हैं वो लोग, हम सब नू न्योता भेजा है। ओए होए, बंसुरी की भी उबल ढलने लगी है, पर उसका चटकीलापन अभी तक नहीं गया। 30 साल तक पति पत्नी झगड़ा ही करते रहे, और अब जाकर इनके प्यार की नदी में उफान आया है। चलो जी तानू की, हम तो जरूर जाएंगे। बिल्कुल चाई जी, अच्छी बात है ना, ऐसे खुशी के मौके अगर अपनों के साथ मनाए तो खुशियां भी दुगनी हो जाती है, हम सब चलेंगे। शादी की सालगिरह ऐ मौका अच्छा होगा पीरजी और गुंजन भाभी नू करीब लाने वास्ते।
क्या कर रही है? कोई जरूरत नहीं है सब करने की। खाली बैठी थी और तेरी शर्टें पड़ी थी तो सोचा प्रेस कर दूं। अब इसमें की खराबी है? घबरा मत, जला नहीं दूंगी, इन्नी भी अनाड़ी नहीं हूं। और वैसे भी अपने कपड़े पहले खुद ही प्रेस करती थी। करती होगी। लेकिन मेरे कपड़े प्रेस करने में खराबी है कि अपने सारे काम मैं खुद ही करता हूं और आगे भी खुद ही करते रहूंगा हमेशा। खाली है तो आराम कर, काम करने की क्या जरूरत? और वैसे भी हमेशा के लिए तो है नहीं यहां पे, कुछ ही दिन की बात है, इसलिए अच्छा होगा कि मुझे अपनी आदत ना डाले। और जैसा भी है, इस सच को अपना के जीना सीख लिया मैंने। ठीक हूं मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपने हाल पे छोड़ दे, अच्छा होगा। रणवीर, मैं ऐसा की गलत कर रही थी? सिर्फ कपड़े ही तो प्रेस कर रही थी, अब इसमें इतनी बड़ी गलती की हो गई? मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैंने करने दे। मैंने एक बार कहा ना तुझसे मुंशन कि तुझे मेरा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। चाहती क्या है तू मुंशन? एक वक्त था जब मैं तुझे टूट के चाहता था, तब तू मुझसे भागती रही, चिढ़ती रही, नफरत करती रही। और आज जब मैं तुझे इस रिश्ते से आजाद करना चाहता हूं, तू बार बार आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी खेत पे काम करती, कभी मेरे कपड़े प्रेस करती, और कब तेरे पैर धोती। क्यों तो मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती गुंजन? मैं सब करने में बहुत तकलीफ होती है, बुला देना चाहता हूं मैं उस प्यार को तो मैंने तुझसे कभी किया था, बता देना चाहता हूं हर एक याद जो तुझसे छुड़ी है। गुंजन, मेरे लिए ऐसा करना वैसे ही मुश्किल है, ऐसा मेरे लिए और मुश्किल ना कर गुंजन। गुंजन, जब तक जितने दिन जितने पल तू यहां है, खुशी से रह, और मैनू भी तुझे खुशी खुशी विदा करने दे। बलदेव, म्याऊ, म्याऊ। खोते आप, ये मुंडा ऐसे नहीं उठने वाला, इसको तो किसका बुलावा आया ऊपर से जो अच्छा पत्थर मारा? वो कौन है यार? तू ऐसे तू पत्थर क्यों मार रही है? हैं, ये मैं नीचे पेड़ों में। ओ चुप होए, तू नीचे आना। क्यों भाई? तू नीचे आता है कि पत्थर मार? ओ मोइ, मैं आता हूँ। पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है तू? ऐ कोई वक्त होता है किसी की खिड़की के नीचे आकर ऐसा पत्थर बरसाने का? अच्छा, कम से कम तेरी तरह रात के 2:30 बजे तो नहीं आई हूँ। पर वैसे भी अब तेनु समझ में आया कि इतनी रात गए अगर किसी को उठाए तो कैसे उसके बंदे की जान ले लेने का मन करता है? हाँ, इसलिए मैंने ना तेरी तरीके से तेनु उठाया था। चल छोड़, मेरे पास वक्त नहीं है, तू बैठ बाइक पे,
की चलना है। क्यों? ओए, क्यों का की मतलब है कि जाना है जरूरी है। चल। ना 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 ना, अब मैनू ना कुछ गड़बड़ लग रही है। एक मिनट, और कहीं तू तू कल वाली वो पिक्चर वाली बात को लेकर मुझसे बदला तो नहीं ले रही? ओए नहीं, ओए नहीं ले रही हूँ। अब चल बैठेगा, बैठ जा। मैं समझ गया, और तू मैनू बाहर के ले जा रही है ना, हैं? और तू रुक, मैं कपड़े तो ले आऊं, हैं? ओए फिर बकवास, बेवकूफ कहीं का। कोई ऐसी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती, अकेले में करनी है, समझा? चल अब। अभी वो देख, पीछे वाली टायर और पंचर है वो। अरे वाह, कैसे पंचर है? नहीं मैंने तो ओए अचल, कहाँ जाना है? बैठ जा चुपचाप। मैं या बाइक तो मैं ही चलाऊंगा। वो देख क्या है, और कुड़िया ना और मुंडों के पीछे बैठी हुई ज्यादा अच्छी लगती है, है? आजा बैठ जा। ओए बलदेव, तू यहाँ वहाँ की देख रहा है? वो तो माहौल ठीक है, उनकी आग भी ठीक है, लेकिन पंडित नजर नहीं आ रहा मैंने। मंत्र पढ़ेगा और ब्याह करवाएगा। बलदेव मैं की करा जो तेरी बकवास बंद हो जाए। तू अपने ख्यालों से बाहर निकल और मेरी गल सुन, समझा? सुना, तेरे पापा जी और बीजी की सालगिरह के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैं तेनू यहाँ ले आई। पापा जी और बीजी? मैं तो समझ रहा, उनकी सालगिरह ना बहुत अच्छे से मनाना बहुत जरूरी है। इस पे कई सारी चीजें टिकी हुई हैं, और मैनू ना ऐसे लगता है कि ऐसे मौके पर ना दिल जुड़ते हैं, दिल की बात जुबान पर आती है, रिश्ते बनते हैं, लड़का लड़की करीब आते हैं, सारे परिवार वाले ना साथ में खुशियां मनाते हैं। क्यों? ऐ तो बिल्कुल वही सोच रही है जो मैं सोच रहा था। बड़ा तेज चलता है तेरा दिमाग तो, है? परमास? ओए, फालतू की बातें करके ना मेरा टाइम वेस्ट मत कर तू, समझा? तेरे पापा जी और बीजी की सालगिरह के बारे में मैंने तुझसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए तेनू यहाँ बुलाया, समझा? आओ। ये खास मौका ना और भी ज्यादा खास और यादगार होना चाहिए। आओ। एक असली शादी में जो कुछ भी लगता है ना वो सब कुछ होना चाहिए जैसे वाकई कोई शादी हो रही हो। आओ। थैंक गॉड तू भी बहुत एक्साइटेड है, वरना मुझे तो लगा था कि तेनू मनाने में ना बहुत मुश्किल हो जानी है। यार वो सब छोड़, हमें ना बलवंत आई जी से पूछना है इनको शेरवानी पहननी है या सूट पहनना है। आओ। और हाँ, हमने एक लिस्ट भी बना लेंगे ताकि एन मौके पे ना कोई गड़बड़ ना हो, खास तौर पे तुझसे, समझा? शादी के 30 साल एक साथ गुजारना बहुत बड़ी बात होती है, मैंने पूरा यकीन है तेरे पापा जी और पीजी को ऐसे देख कर ना दूसरे भी ये जानेंगे कि जिंदगी साथ में गुजारना, सुख दुख बांटना कितनी बड़ी गल होती है, और असली रिश्ते का मतलब क्या होता है। हाँ। अच्छा हाँ, हम ना ताई जी से उनका नाम भी पूछ लेंगे, मैं उनको भी कॉल। ना, ना हो, ना हो, ना ना ना। वो ना हो क्यों? पहले पापा जी को बताने तो दे जश्न के बारे में। तूने सबको न्योता दे दिया और बलवंत ताई जी को ही नहीं बताया? बता दूंगा, मतलब इतनी भी क्या जल्दी है, और पहले सबको न्योता तो पहुंचाने दे। तेरा दिमाग तो तेरे घुटने में भी नहीं है, बेवकूफ कहीं का। उनको भी चल के सब कुछ बताना होगा। चल अभी। हाँ अब नहीं तो कब, चल ओए। यार समधी जी और समधन जी की 30वीं सालगिरह और पहली बार जश्न मना रहे, कोई अच्छा तोहफा तो देना ही पड़ेगा ना उनको। कहना तो तेरा बिल्कुल ठीक है, बाजार चलकर ले लेंगे कुछ अच्छे तोहफे। अरे गुंजन पुत्र आजा आजा, तेरे पापा जी और बीजी के बारे में बात कर रहे थे, 30वीं सालगिरह जश्न मना रहे, बस तोहफे के बारे में सोच रहे थे। ऐसे खास मौके पर तो कुछ अच्छा चुनना चाहेगी अपने पापा जी और बीजी के वास्ते, और तुझसे ज्यादा उनकी पसंद और कौन जानेगा। एक काम कर लेना, रणवी के साथ तू कल बाजार चली जा और दोनों के लिए कोई अच्छा सा तोहफा चुन लेना हम सबकी तरफ से।
ठीक है ना रणवीर? क्या हुआ, कुछ हुआ है कि? ठीक है बीजी, कोई बात नहीं है। ठीक है तो रणवीर, तू बहाना बनाने से पहले ही मैं तन्नू बोल रही हूँ, इस बार मैं तेरी कोई नहीं सुनने वाली। तेरे सास ससुर है, चले जाना उसके साथ बाजार में, जाएगा ना? जी बीजी, चला जाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।